क्या हुआ? राइडर बन रहा था भाई, देखो राइडर बन रहा था बेचारा। जब पूरे तरीके से चालू हो जाएगी ना, तो जो भी बस आएगी ना वो इधर से जाएगी, वहाँ पे रुकेगी, पैसेंजर उसमें बैठेंगे। आई लव बख्तियारपुर, ये लिखा हुआ देख रहे हो व्हाइट वाला, ये आगे से लिखोगे ना तो रेड में लाइट जलती है, आई लव बख्तियारपुर। तो देखो सरन जी भी ट्रेन जा रही है अभी, राजगीर नई दिल्ली एक्सप्रेस, सरम जी भी, सरम जी भी लिखा था, मैं सरन जी भी बोलता था पहले, बट ऊपर पड़ रहा है। आप कतार में क्यों खड़े हैं जब आप मोबाइल फोन से टिकट खरीद सकते हैं? तो भाई देखो यार, फ्लाईओवर के ऊपर से आने के बाद ना व्यू देखो, इधर के साइड से नीचे से ऊपर आए, इधर के साइड से उधर लास्ट वाला प्लेटफॉर्म पे जाना, उधर देखो और भी फ्लाईओवर है, दो तीन फ्लाईओवर टोटल है दो, और इधर से देखो भाई नजारा ऊपर से नीचे का। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, अभी अपन लोग हरनौत में, हरनौत रेलवे स्टेशन का वीडियो बना के निकले हैं, और फिर बगल में ही बख्तियारपुर भी रेलवे स्टेशन है गाइस। तो सोचे यार, जब हरनौत आ चुके हैं तो बगल में 5-10 किलोमीटर के अंदर में बख्तियारपुर भी है, तो क्यों ना आपको बख्तियारपुर का भी टूर करवा दे गाइस आज ही। तो इसका ब्लॉग हरनौत के नेक्स्ट वाली ब्लॉग वीडियो में आएगी। तो अभी अपन लोग सोच रहे हैं डायरेक्ट बख्तियारपुर चले, और फिर बख्तियारपुर का भी 4 लेन का भी इधर का व्यू हो जाएगा, प्लस रेलवे स्टेशन का भी वीडियो हो जाएगी। तो एक वीडियो में दो दो नज़ारा भाई। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, और प्लीज गाइस वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी हेवी है, प्लस 4 लेन बिहार से टू बख्तियारपुर बहुत भयानक है। तो चलो अभी चलते हैं और फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइस। अपना वही R15 बाइक जिससे हरनौत आए थे, वही बाइक से जा रहे हैं अपन लोग। लेकिन हाँ, एक चीज़ अपने को करना पड़ेगा, बख्तियारपुर हरनौत में तो कोई प्लेटफॉर्म टिकट का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन बख्तियारपुर में प्लेटफॉर्म टिकट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर TT काफ़ी सारा होती है, प्लस चारों तरफ से वो कवर किया हुआ है, और एक साइड से छूटा हुआ भी है। तो किस साइड से छूटा हुआ है ना कवर, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। और फिर ये अपना हरनौत का पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, काफ़ी अच्छा ऑयल होता है इंडियन ऑयल का, HP मैं यूज नहीं करता हूँ और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा आप लोग को। तो ये देखो इधर लकड़ी वाला ये ना, और इधर का देखो पीच की हवा रोड, प्लस ये हॉर्न, बेफालतू का हॉर्न मारते हुए भाई, ये नॉइज पोल्यूशन फैलाने का ना सबसे आसान तरीका, आप लोग हॉर्न मारते रहो, नॉइज पोल्यूशन फैलेगी बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ यार ज़्यादा हॉर्न का यूज मत करना, जहाँ पे ज़रूरत हो ना बस वहीं पे हॉर्न मारना तो सही होगा। वाह, राइडर बन रहा था भाई, देखो राइडर बन रहा था बेचारा, साइकिल टूट गया कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ, बेचारा का राइडर बन रहा था भाई, मतलब खुद से बोलता है भैया देखो राइडर बन रहे थे, टूट गया साइकिल, यही समय फंस के टूटा है उसका साइकिल, और बेचारा उठा के लेके जा रहा है, सोचो यार तो यार मतलब ऐसे वैसे मत चलाओ रोड पे, बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का यार, बट ऐसा नहीं करना चाहिए मेन रोड पे। फिर ये बस स्टॉपेज, ये देख रहे हो ये बस स्टॉपेज है, यहाँ पे जो भी बस आएगी ना, जब पूरे तरीके से चालू हो जाएगी ना, तो जो भी बस आएगी ना वो इधर से जाएगी, वहाँ पे रुकेगी, पैसेंजर उसमें बैठेंगे, वहाँ पे बैठे रहते हैं, और फिर वहाँ से बस पे बैठेंगे, और फिर वहाँ से बस खुलेगी। जैसे अभी देख रहे हो ये सरकारी वाला बस जा रहा है ना, डायरेक्ट सामने चला गया, लेकिन जब 4 लेन पूरी तरीके से चालू हो जाएगी ना, तब ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा बस को, डायरेक्ट वो जैसे वहाँ पे पैसेंजर कुछ खड़े हैं ना बस के लिए, उतना पे पैसेंजर को खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, यहीं पे आना पड़ेगा, यहीं पे रुकेगी बस, वरना बीच बीच में कहीं नहीं रुकेगी, जहाँ पे स्टॉपेज दिया हुआ रहेगा ना बस वहीं पे रुकेगी, उसके अलावा किधर भी नहीं रुकेगी। इससे क्या होगा ना कि समय का बचत होगा, प्लस ज़्यादा जाम भी नहीं लगेगा, ऐसे जहाँ तहाँ बस रोक देती है ना तो समय भी बहुत लग जाता है बस को पटना जाने में या फिर बख्तियारपुर जाने में, प्लस जाम लग जाती है बहुत ही ज़्यादा, इसी कारण से बस स्टॉपेज को फॉलो करना ज़रूर जब से स्टार्ट होगी तब से, अभी तो फिलहाल चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगी ना तो प्लीज़ फॉलो करना। जैसे कि देख लो ये लोग बस के लिए कैसे खड़े हैं, तो इस इन्हीं लोग के कारण जाम लगती है, बट आने वाला समय में ना जाम लगने का कोई गुजारा नहीं होगा भाई, मतलब जाम उतना नहीं लगेगा, जब से ये बस स्टॉपेज का दे देगा ना तब से जाम नहीं लगेगा। प्लस ये देखो गाँव हरनौत का, इधर साइड वाला बख्तियारपुर ही बोल सकते हो इसको भी, बट हरनौत ही बोलते हैं, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता है नहीं इस गांव के बारे में, कौन सा गांव है, तो हरनौत ही बोलेंगे ना।
ये देखो यहाँ पे ना पहले का पुल जो था ना एकदम नीचे नीचे था, उधर टूटा हुआ था नीचे का पुल। कंटिन्यू चार या फिर पांच पुल है, जितना रेलवे क्रॉसिंग उधर जितना रेलवे वाला पुल, जितना पुल उधर है ना उतना ही पुल अपना ये रोड पे है। तो लगता है पाँच से छः पुल होगा अभी। हर नौत है इससे जस्ट दो या फिर पाँच किलोमीटर बाद बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से डायरेक्ट फोर लेन कटती है पटना की तरफ और एक सामने चली जाती है बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का। तो ये देखो पहला पुल अपन लोग क्रॉस करने वाले, अगला वो वाली है दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पाँचवा, टोटल पाँच पुल है रेलवे स्टेशन का भी देख लो। वो वाली क्रॉस खत्म हुआ, दूसरा ये वाली चलेगी, तीसरा वो, चौथा वो, ऐसे करके चलती है। मतलब जितना सामने सामने सारा का पुल दिया हुआ है। बट अभी तो अपन लोग सिर्फ बख्तियारपुर तक का ही देख रहे हैं ना, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर तक का ही फोर लेन देख रहे हैं, कंप्लीट है। उससे आगे उधर नवादा का रूट में जाओगे ना तो उधर कंप्लीट है या फिर नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन पावापुरी तक कंप्लीट प्रॉपर मस्त तरीके से है। उससे आगे मेरे को पता नहीं, तो उससे आगे वाले भी अपन लोग बहुत ही जल्द अपडेट लाने वाले हैं, उधर भी जाएंगे और फिर आप लोग को दिखाएंगे उधर का रूट। देखो पहले का रूट देख रहे हो, अपडेट हो चुका है नीचे वाला, और वो तो खेत वाला है। तो पहले का रोड ऐसा था यार, और अभी का रोड देखो ना तो काफी धांसू हो चुका है। सो फाइनली भाई क्या बोले भाई, पहुंच गए बख्तियारपुर यार। लाइक एक 600 मीटर होगा मे बी यहाँ से, सामने वो देख रहे हो फ्लाईओवर, ये वाली फ्लाईओवर ना राइट साइड टर्न होके ना उधर पटना की तरफ चली जाती है, और अपने को सामने जानी है, ऊपर फ्लाईओवर पे नहीं जानी है, अपने को नीचे नीचे सामने की साइड जानी है तो रेलवे स्टेशन मिलेगी। इतना पता नहीं है, देखो ये लोग देख रहे हो कैसे चढ़ा रहे हैं लोग, मतलब क्या यार ये लोग मतलब क्या समझ के रखे ना पता ही नहीं चलता भाई। उधर का लेन चालू है फिर भी इधर बाप का रोड से ही जाएंगे वो लोग, मतलब वो देखो रॉन्ग टर्न से, तो ये लोग समझने वाले हैं नहीं। और इन लोग को भाई जिंदगी बहुत ही कम मेरे को लग रहा है, उम्मीद कम है कि ऐसे में जिंदगी ज्यादातर कटती है भाई। प्लस सामने एक साइड पेट्रोल पंप है और वो देखो फ्लाईओवर, तो अभी उससे आगे चलते वहाँ पे चेकिंग भी होती है, तो चलते हैं जल्दी से और फिर आपको दिखाते हैं। सो फाइनली भाई ये देखो आप लोग अगर सामने जाएंगे ना तो बख्तियारपुर जाएंगे, और इधर लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे ना ये चला जाएगा पटना की तरफ, ऊपर फोर लेन पे चढ़ के डायरेक्ट पटना के साइड चला जाएगा। और फिर ये रूट भी चालू हो गया भाई, पहले तो ये बंद था यार, अभी नया नया चालू हुआ है मेरे ऐसा ख्याल से, और किधर से आता है ये रूट मेरे को पता नहीं। और सामने एक साइड देखो बख्तियारपुर जाने का रास्ता भाई, आई लव बख्तियारपुर ये लिखा हुआ देख रहे हो व्हाइट वाला, ये आगे से देखोगे ना तो रेड में लाइट जलती है आई लव बख्तियारपुर, क्योंकि बख्तियारपुर एंट्री हो चुका है, यहाँ से बख्तियारपुर आगे घुस जाते हैं अपन लोग। तो भाई गाय और भैंस का बेचने वाला मार्केट यहाँ पे बहुत सारे, मतलब सस्ते में भी महंगे भी मिलते हैं गाय और भैंस, देख रहे हो ये मार्केट काफी भयानक है। तो जो भी खटाले सब खोलना चाहते हैं ना, जो भी दूध वाला होता है ना, तो यहाँ से आगे खरीद सकते हो, मतलब यहाँ पे सस्ता भी मिलता है महंगा भी मिलता है। देखो मार्केट भाई बख्तियारपुर का सारा खुल चुका है, सब्जी ये सब का हर कुछ का मार्केट है इधर, सब्जी ये सब भाई मतलब यहाँ पे जाम लगा दिया देखो, मतलब ऑटो वाले सब्जी ले रहे हैं और फिर ये देखो जाम कैसे लगता है, इधर से निकल जाएगा। चलो अच्छा, मतलब ये लोग ऐसा है ना, मतलब बीच में जाम लगा के सब्जी ले रहा है यार, मतलब क्या सीन है यार, पैसेंजर ले रहा है सब्जी नहीं पैसेंजर। तो भाई थोड़ा सा याद ना हो ना तो मिस्टेक हो जाती है, अपन लोग सही रास्ता में घुसे फिर मेरे को लगा आगे से होगा रेलवे स्टेशन, तो अपन लोग मुड़ गए, फिर पूछे तो बोला इसी रास्ते से रेलवे स्टेशन है, तो चलो अपन लोग इसी के अंदर चलते हैं। हालांकि मंदिर के पास से ही था ये भी पता था, लेकिन भूल जाते हैं यार कभी कभी, ऐसा होता है इंसान के साथ। देखो सनन जी भी ट्रेन जा रही है अभी, मतलब 9:15 में बख्तियारपुर पहुंच गई, मतलब 9:45 के आसपास हर नौत पहुंच गई होगी, और अपन लोग अभी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले है। देख रहे हो राजगीर नई दिल्ली एक्सप्रेस श्रमजीवी लिखा था, मैं सरनजीवी बोलता था पहले बट श्रमजीवी लिखा था। देख रहे हो भीड़ कितना भयानक हो चुका है जनरल वाले में, स्लीपर ये पीछे के साइड जनरल होगा, आगे की साइड तो दो बोगी जनरल आगे दो बोगी पीछे होता है, इधर के साइड बाइक क्रॉसिंग वाला है प्लस सामान लगेज ये सब उधर लेके जाने वाला है। देखो यार ट्रेन कैसे पास हो रहा है, और फिर आगे पार्किंग में लगाने के बाद इधर पार्किंग है ना, बाइक मस्त वाला यहाँ पे लगा देंगे ये देख रहे हो, तो यहाँ पे अपना बाइक लगेगा और उसके बाद अपन लोग रेलवे स्टेशन सामने के साइड जाएंगे। देख रहे हो बख्तियारपुर जंक्शन, तो बख्तियारपुर जंक्शन ही है भाई, तो यहाँ से अपन लोग एंट्री लेंगे, पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे,
पकड़े जाने पर यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, पकड़े जाने पर 1000 रुपया जुर्माना लगेगा, आदेशानुसार रेल प्रशासन। प्लेटफॉर्म टिकट ले लो, 2 पीस प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये पीस देगा। सो भी चलते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं अपन लोग, क्योंकि फ्री में इधर उधर घूमना है ना, फ्री होके एकदम, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो पकड़ लिया टीटी ना तो 10 रुपये की जगह 1000 रुपया लेगा वो। तो ये देखो, ये स्लीपर एसी का तत्काल टिकट कटने वाला और वो वहाँ पे जनरल का टिकट प्लस प्लेटफॉर्म टिकट। तो अभी अभी शेख लेगा प्लेटफॉर्म टिकट, देख रहे हो भीड़ यार। तो यहाँ से अभी शेख जल्दी से लेने के लिए जाएगा, फिर अपन लोग अंदर जाएंगे। देख ऊपर पड़ रहा है, आप कतार में क्यों खड़े हैं जब आप मोबाइल फ़ोन से टिकट खरीद सकते हैं, ऐसा ऊपर लिखा हुआ है। तो मशीन भी तो नहीं, मशीन भी रहता तो उससे भी कट जाता, बस जल्दी से टिकट मिल जाए यार, प्लेटफॉर्म टिकट लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो फाइनली भाई, ये अपना प्लेटफॉर्म टिकट एक अभिषेक के पास है, हाथ में देख सकते हो। तो अभी अपन लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेके एंट्री ले रहे हैं और यहाँ से भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। कोई ट्रेन आ रही है क्या? अभी तो सरंजीवी गई है, लेकिन यार तो सरंजीवी जा चुकी है, प्लस एक और ट्रेन लगता है आने वाला, पैसेंजर देख रहे हो कितना भीड़ है। ये देखो यार, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इधर की साइड सामने चले जाओगे ना तो पटना की ओर चले जाओगे, सामने साइड से एकदम, ये सामने पटना का रूट जाता है, इधर एक जाता है बिहार शरीफ एकदम सामने, प्लस थोड़ा सा लेफ्ट कटेगी ना तो वो कोलकाता का रूट में चला जाएगा, मोकामा ये सब होते हुए, बाढ़ मोकामा ये सब कोलकाता। प्लस ये देखो ट्रेन एक आ रही है, तो शायद इसी का इतना भीड़ है भाई, यही ट्रेन का कोलकाता जाने वाला का। तो अपन लोग उस साइड हो जाते हैं पहले, चलो उस साइड हो जाओ। सो अभी तो ट्रेन काफ़ी डिस्टेंस पे, तो अपन लोग हो सकते हैं आराम से भाई, बट ऐसा आप लोग कभी मत होना यार, क्योंकि जान बहुत प्यारा है तो रिस्क मत लेना। तो ये देखो अपन लोग क्रॉस हो चुके हैं और इधर की साइड देख रहे हो, स्टेशन प्रबंधक टिकट संग्राहक ऐसा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 9:25। तो जो भी राजगीर जाने वाली ट्रेन होती है ना, वो इस पर आती है, ये देखो इस पे आती है, पटना के साइड से इसी पे आती है, ये नंबर प्लेटफॉर्म पे कितना 3 नंबर है, इस पे आती है और फिर जाने वाला भी ना, जो राजगीर से उधर दिल्ली की ओर जाती है ना, वो वाली 2 नंबर से जाती है या फिर 3 नंबर से इससे भी जाती है, जैसा कि देख सकते हो सामने सरंजीवी अभी जा ही रही है, वो दिख रहा, वो भी सरंजीवी जा ही रही है। तो भाई मतलब भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, प्लस कुछ कुछ खराबियाँ हैं ना तो वो बन रहा है यहाँ पे। प्लस देखो इधर के साइड से पूरा ओपन है, लेकिन हाँ टीटी आपको इस साइड नहीं मिलेगी, जो भी टीटी मिलेगी ना आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी। तो अगर बिना टिकट का आए हो ना बख्तियारपुर स्टेशन, तो प्लीज़ यार 1 नंबर तरफ मत जाना, नहीं तो 1000 रुपया पॉकेट में ले लेना फिर जाना, क्योंकि पकड़ेगा तो छुड़ाना तो पड़ेगा ना, तो 1000 रुपया दोगे ना ऐसा। और ये कौन सा ट्रेन आया, S3 ट्रेन का नाम क्या है भाई? ये हावड़ा की तरफ जाएगी शायद, गया बख्तियारपुर वाला है ना शायद, वही है या फिर मोकामा किस तरफ। ये देखो ट्रेन, नाम भी तो नहीं शो कर रही है भाई, जनरल है क्या सारा? स्लीपर तो है लेकिन S4, ये आ कहाँ से रही है, जा कहाँ रही है, इसका कुछ पता पता नहीं है, क्योंकि ट्रेन का नाम नहीं लिखा हुआ, ना ही ट्रेन नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ स्लीपर का सिंबल दिया हुआ है कि ये स्लीपर है। उधना ओसन आसनसोल, आसनसोल से उधना है। तो ये देख रहा हो भाई, पूरा खाली है यार सारा कुछ एकदम। उधना ये किधर पड़ता है? उधना किधर पड़ता है मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं है, कभी गया नहीं है, कभी जानते भी नहीं है। तो ये कुछ स्टेशन मतलब काफ़ी अच्छा है यार, पैसेंजर भी कुछ जा रहा है, प्लस स्टेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी टूट फूट के बन रहा है ना तो और भी बन जाएगा ना तो और भी भयानक हो जाएगा। अब भी तो ये मतलब स्टार्टिंग है, एंडिंग के साइड आपको दिखाएंगे ना तो बहुत भयानक लगेगा। भाई देखो यार, फ्लाईओवर के ऊपर से आने के बाद ना व्यू देखो, इधर के साइड से नीचे से ऊपर आए, इधर के साइड से उधर लास्ट वाला प्लेटफॉर्म पे जाना, उधर देखो और भी फ्लाईओवर है, 2-3 फ्लाईओवर टोटल है 2, और इधर से देखो भाई नज़ारा ऊपर से नीचे का, पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा, वो लास्ट वाला प्लेटफॉर्म पे कोई सारा नहीं रहता पैसेंजर, बहुत ही कम रेयर केस में, बट गर्मियाँ ज़्यादा आएगी ना, धूप ज़्यादा होगी ना, तो भाई इधर उधर बुलते बहुत कम दिखेंगे इधर बैठे हुए, सारा मतलब जो भी छाँव में ही ढूंढेंगे कहाँ पे छाँव है वहाँ पे अपने को बैठनी है ऐसा। इधर के साइड देखो, मतलब मैंने थक गया, इतना लंबा प्लेटफॉर्म है,
तो उधर के साइड और भी ज़्यादा है, बहुत ही आगे तक है, वो लास्ट वहाँ पे होता है बख्तियारपुर जंक्शन है भाई। तो सोच सकते हो जंक्शन देखो ऐसा होता है, हम तो भाई इस्लामपुर को ही जंक्शन बोल रहे थे, लेकिन जंक्शन का रूप देख रहे हो कितना विकराल होता है, प्लस पटना जंक्शन तो और भी भयानक है इससे। सो उधर पानी पीने वाला और फिर इधर सारे लोग पैसेंजर चढ़ रहे हैं, मतलब इधर से प्लेटफॉर्म टिकट को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता इस साइड से, लेकिन हाँ जब एक नंबर पे जाओगे ना वो वाली प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन उस तरफ जैसे एंट्री लोगे ना उधर गेट की तरफ, देखो उधर वहाँ से एंट्री लोगे ना, वो इंग्लिश वाला बख्तियारपुर लिखा हुआ है ना जंक्शन, वहाँ से टीटी लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से तो भाई आपका 1000 रुपया कटना स्टार्ट हो जाती है, इतना ज़्यादा टीटी वहाँ मिलेगा। देख रहे हो टीटी उधर घूम भी रही है, वो देखो ये देख रहे हो बैग टांगे हुए टीटी है भाई। तो ये देखो लास्ट वाले प्लेटफॉर्म के साइड आ गए, इधर भी 3 पटरी भाई, बीच वाले में ना जब कोई किसी को लाइन नहीं मिलता ना तो बीच वाले में खड़ा कर दिया जाता है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो ऐसे ही नॉर्मल से बहुत कम ही ट्रेन पास होती है, मतलब बिहार शरीफ जाने वाली ट्रेन 4 नंबर या 3 नंबर पे, यही 2 नंबर में से कोई एक ट्रेन पे जाती है, बाकी 1 नंबर 2 नंबर वो तो भाई अपना भयानक वाला रूट है, उसको तो हटा ही सकते, कोलकाता वाली रूट है वो, हावड़ा वाली। ये देखो गांव की तरफ का भाई भुट्टा यहाँ पे पका रहे हैं सारे लोग, बिकता यहाँ पे बहुत ज़्यादा भुट्टा है यार, क्योंकि गांव का माहौल है ना, तो गांव में बहुत सारे लोग भुट्टा खाते हैं, भुट्टा खाना भी चाहिए, यहाँ पे भी लोग खा रहे हैं भुट्टा देख लो। सो अपन लोग आ गए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और फिर यहाँ पे ककड़ी केला भुट्टा सारा कुछ बिकता है, और फिर यहाँ से नज़ारा देखो ना तो काफ़ी अच्छा लग जाता है। उधर ज़्यादा भीड़ में ना वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फीलिंग्स आती है, बट फिर भी यार कोशिश तो कर रहे हैं ना, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ना हरनौत वाले में, कोशिश करो भाई, धीरे धीरे सारा कुछ डर ये सब होता है ना कोशिश करने से ही ख़त्म होता है, तो कोशिश करते रहो। इधर देखो धनबाद पटना एक्सप्रेस, तो ये धनबाद की ओर जा रही है पटना से, पटना जंक्शन उधर से खुली है और फिर इधर धनबाद की ओर जा रही है, तो ये वाली ट्रेन आई है, यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर चढ़ेंगे उस पर और फिर यहाँ से निकलेंगे, और फिर बख्तियारपुर का स्टेशन का लास्ट की तरफ आ गए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का सबसे लास्ट है, और फिर वो 3 का 2 का 1 का लास्ट है वहाँ पे, तो देख रहे हो धनबाद आ चुकी है भाई, मतलब ट्रेन यहाँ पे ना हर एक 2 मिनट 5 मिनट पे ना हर एक ट्रेन आती रहती है, तो ये जंक्शन है, तो जंक्शन से वैसे भी ट्रेन का भी मतलब जंक्शन कभी शांत होता ही नहीं है भाई, ट्रेन आसपास होते रहते हैं हमेशा क्रॉसिंग, तो यही कुछ यहाँ का भी सीन है। तो जंक्शन पे जाओ ना तो ये सीन देखने में काफ़ी एकदम मजे लगता है। तो ये देखो ये अपना सरंजीवी एक्सप्रेस जो कि अभी राजगीर जा रही है, दिल्ली से आई है, बख्तियारपुर में रुकी है और अब राजगीर की ओर जाएगी भाई। तो यहाँ पे टीटी को देखना यार, कितना भयानक टीटी यहाँ पे रहता है, इतना टीटी आता है ना, प्लस जो सरंजीवी में टीटी रहते हैं ना वो और भी ज़्यादा मतलब लोगों को परेशान करते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो भी गरीब हो ना उनके पास 10-20 रुपये भी हो ना वो भी छीन लेते हैं ये लोग, ऐसा यहाँ का टीटी है सरंजीवी का। और इसी में अपना टिकट है सरंजीवी में ही दिल्ली के लिए, 18 तारीख को अपन लोग दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से, तो इसी में अपना टिकट करवा चुके हैं, तो भाई देखते हैं हमको टीटी परेशान करता है या फिर नहीं करता, करेगा भी क्यों यार, मेरे पास तो टिकट रहेगा ना, तो परेशान करने का कोई ये होता ही नहीं है, प्लस पैसेंजर देखो कैसे दौड़ दौड़ के चढ़ रहे हैं ट्रेन पे, राजगीर जाने वाले इतना भीड़ है, बट हम लोग तो बाइक से आए ना तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, बट देखो लोगों को यार कैसे मतलब क्या बोले यार, ऐसा होता है हर किसी के पास तो अवेलेबल नहीं है ना कुछ, तो ट्रेन हर किसी के लिए गरीब से अमीर सारे लोग के लिए सबसे अच्छा सुविधा है ट्रेन, तो ट्रेन से ज़्यादा चला करो, लेकिन हाँ टिकट ले लिया करो भाई, टीटी से बचा करो भाई। आई और खुल गई, एक गई दिल्ली की तरफ और एक दिल्ली से आ रही है तो बख्तियारपुर पहुंची, वो क्रॉस हुई और जस्ट 15 से 20 मिनट बाद ये वाली ट्रेन आ गई दिल्ली वाला। सो फाइनली भाई अभी 9:30 हो रहा है और अभी सरंजीवी राजगीर की तरफ जो कि दिल्ली से आई है ना वो राजगीर की तरफ, सो सोच रहे हैं गाइस आप लोग को स्टेशन दिखा दिए, तो सोच रहे हैं आप लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, और एक बात कोशिश करना कभी मत भूलना गाइस। सो जय श्री राम गाइस, बाय बाय। ये देख रहे हो इसको भाई हेलमेट पहन के ये पटरी पे चलना सीख रहा है, नैन मटकते चाल इसका भाई। और अपन लोग सारे लोग प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही चल के वो वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से ऊपर अपन लोग चढ़ेंगे,
और फिर उधर से अपन लोग बाहर जाएंगे, टीटी के पास से जाएंगे क्योंकि टिकट है ना अपने पास, तो टीटी को भी दिखाएंगे भाई, क्योंकि टिकट लिए तो टीटी को तो दिखाना बनता है ना। और अभी से किधर से क्रॉसिंग अपन लोग लेंगे, ये तो अपन लोग यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं 3 नंबर से। ये भाई ऐसे ही जंप लगा दिए, आ जा अभी से चढ़, तुमको देखते कैसा जंप लगाता है। ये भाई ये कैसा जंप लगाता है, अरे भाई गाँव का लड़का ऐसा थोड़ी जंप लगाता है, डायरेक्ट जंप मारो ऐसा होता है।